बहुत सारे बच्चे अपनी आईज कंटिन्यूसली रब करते हैं, कई बार बहुत हार्शली रब करते हैं, कई बार बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाते हैं। हमें समझ नहीं आता कि ये नॉर्मल है या किसी परेशानी का कोई संकेत है। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इसी टॉपिक के ऊपर कि अगर आपके बच्चे बहुत ज़्यादा आईज रब करते हैं तो उसका रीज़न क्या क्या हो सकता है और उसको आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं। आईज रब करना बहुत ही डेंजरस हो सकता है, बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है बच्चे के लिए। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा ये मेक श्योर करना होगा कि आपका बच्चा, सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना होगा कि आपका बच्चा किस लिए आईज रब कर रहा है और उसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ये दोनों ही चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अगर इस टॉपिक में इंटरेस्टेड है तो प्लीज़ लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। फ्रेंड्स, यहाँ सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि क्या क्या रिस्क हो सकते हैं, जिससे कि आपको थोड़ा पता चले कि कितना डेंजरस हो सकता है। हम जिन चीज़ों को बहुत हल्के में लेते हैं वो बहुत ही डेंजरस साबित हो सकती हैं आपके बच्चे के लिए। सबसे डेंजरस जो प्रॉब्लम है ना इस आईज रब करने की वजह से, वो ये है कि गलती से भी अगर बच्चे की आंख में कोई चीज़ गिर गई है और बच्चा उसे बहुत हार्शली रब कर रहा है, या फिर बड़ा भी, जो सबसे ज़्यादा ख़राब चीज़ कोई कर सकता है वो ये कि अपनी आँखों को रब करना। और बच्चे इतने छोटे होते हैं, उनको इस चीज़ के बारे में पता नहीं होता। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि फिगर आउट करना कि बच्चा क्यों अपनी आँख रब कर रहा है, उसको फटाफट से उसको सॉल्व करना, उसको मतलब रब नहीं करने देना है आईज। दूसरी जो प्रॉब्लम होती है कि कई बार ये होता है कि बच्चे के आँख में कुछ भी नहीं है लेकिन उसको आईज रब करना है, कुछ इचिंग हो रही है, हल्का सा भी कोई प्रॉब्लम हो रहा है, बट उसके हाथ पे थोड़े बहुत जर्म्स हैं और उसने अपने आईज को रब किया। बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं आई इन्फेक्शन होने के। और अगर आपका बच्चा बहुत ज़्यादा छोटू सा है तो ये जो आई इन्फेक्शन वगैरह जो है, बहुत ही माइन्यूट से भी, बहुत माइनर से भी जो है, वो बच्चे को बहुत ज्यादा डिस्कम्फर्ट करा सकते हैं। और आई इन्फेक्शन जरूरी नहीं है कि सारे बहुत माइनर होते हैं, कुछ बहुत मेजर भी होते हैं। इसलिए आपको बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप अपने बच्चों को आईज बिल्कुल भी रब ना करने दें। थर्ड जो प्रॉब्लम हो जाती है वो होती है लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम होती है। वो जरूरी नहीं है कि आज बच्चा आई रब कर रहा और आपको आज की आज ही दिखाई दे जाए, थोड़ा टाइम बाद भी वो दिखाई दे सकती है, थोड़े टाइम बाद वो आपको दिखाई देती हैं, 2-4-5 साल बाद आपको भी दिखाई दे सकती हैं वो सारी प्रॉब्लम्स। वो क्या होती हैं, ज़रूरत से पहले या समय से पहले बच्चों का चश्मा लग जाना, बच्चों का विज़न उतना क्लियर नहीं रहना जितना कि उनका उस एज पे होना चाहिए। ये सारी जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम में आती हैं। और ये सारी प्रॉब्लम का जो जड़ है ना, वो आई रब करना कहीं ना कहीं माना जाता है। अब चलिए हम बात करते हैं कि किस किस कॉज की वजह से बच्चे आईज रब करते हैं और आप क्या क्या कर सकते हैं जिससे कि आपके बच्चे आईज रब ना करें। सो सबसे पहली और कॉमन चीज़ होती है वो ये होती है कि बच्चे बहुत ज़्यादा टायर्ड होते हैं और बच्चों को नींद आ रही है, उस वजह से बच्चे को कम्युनिकेट करने के लिए वो अभी वर्ड्स यूज़ नहीं कर सकते तो बच्चे अपनी आईज रब करते हैं। कई बार जो छोटे बच्चे जो अभी बोल भी सकते हैं, 4-5 साल के भी बच्चे होते हैं, उनको भी जब बहुत एक्सट्रीम थकान होने लगती है ना, बहुत ज़्यादा नींद आ रही होती है, तो वो अपनी आईज रब करने लगते हैं। ये बहुत ज़्यादा डेंजरस नहीं है क्योंकि इस केस में बच्चे बहुत ज़्यादा हार्शली अपनी आईज रब नहीं करते, बट स्टिल अगर बच्चे थोड़ा टाइम तक उसको फ्रिक्वेंटली कर रहा है या बहुत जल्दी हर बार जब उसको नींद आती है तब वो ऐसा करता है, तो ये लॉन्ग टर्म इशू बन सकता है। इसके लिए आपको करना ये है कि बच्चे का एक प्रॉपर रूटीन बनाइए। बच्चे को, आपको पता है कि बच्चे को 11 बजे नींद आती है, सो आप ऑलमोस्ट 10:45 बजे के आसपास बच्चे को सुलाने के लिए एकदम रेडी कर दीजिए, उसको सुलाने के लिए तैयारी कर दीजिए, जैसे कि 11 बजे तक आते हैं तो उसको नींद आ जाए, उसको वो मौका ही ना मिले कि वो एक्सट्रीम टायर्ड हो जाए और उसको अपनी आईज रब करनी पड़े। बहुत ही सिंपल सा सॉल्यूशन है, बहुत इफेक्टिव है। दूसरा जो रीज़न होता है वो होता है कि बच्चों को ऐसा करना बहुत अच्छा लगता है। मैं यहाँ बात कर रही हूँ एकदम जो छोटू से बेबी होते हैं ना उनके बारे में। अच्छा क्यों लगता है, कभी आपने नोटिस किया होगा जब आप अपनी आईज बंद करके या ओपन करते हैं, या फिर आप अपनी आईज को थोड़ा सा भी ऐसे प्रेस करते हैं, या फिर इस तरीके के कुछ भी आप आईज को ओपन क्लोज करते हैं या रब करते हैं, तो आपको डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स दिखाई देते हैं, कभी स्क्वायर, कभी डायमंड, कभी बबल्स, इस तरीके की थोड़ी थोड़ी शेप्स आपको दिखाई देती हैं, पैटर्न्स दिखाई देते हैं। सेम हमको मालूम है क्योंकि हमारे साथ ये बहुत टाइम से हो रहा है, लेकिन बच्चे के साथ जब फर्स्ट टाइम स्टार्ट होती है ये सारी चीज़ें होना, तो वो बहुत मतलब उसको बहुत अच्छा लगता है ये सारी चीज़ें देखना, तो वो बार बार इस चीज़ को देखना चाहता है, जिसकी वजह से वो बार बार अपनी आईज रब करता है। ये बहुत क्यूट चीज़ है, लेकिन अगर बच्चा बहुत ज़्यादा उसको रब करेगा अपनी आईज को तो डेफिनेटली काफ़ी प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो इस केस में आपको सिंपल करना ये, बच्चे का आपको हाथ होल्ड कर लेना है और आपको किसी और चीज़ में उसको डिस्ट्रैक्ट कर देना है, किसी और टॉय से उसको खिलाने लग जाने जिससे वो फैमिलियर है, जिसके साथ में वो अच्छे से खेलता है, तो थोड़ा सा आपको बच्चे को डिस्ट्रैक्ट करना है। यहाँ थर्ड है, वो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस हो सकता है कि अगर उसकी आईज में कुछ गिर गया है, सपोज कोई डस्ट, कोई पार्टिकल, या उसके आईलैश का कोई बाल,
तो इस केस में क्या होता है, अगर बच्चा बहुत ज़्यादा रब करता है तो वो जो पार्टिकल है वो बच्चे की कॉर्निया के अंगेंस्ट रब होता है और कॉर्निया को डैमेज होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं, जो कि काफ़ी सीवियर प्रॉब्लम कर सकते हैं आपके बच्चे को। तो आपको ये बिल्कुल भी नहीं होने देना है, रोकना है। अगर आपको लग रहा है कि बच्चा बहुत ज़्यादा हार्शली अपनी आईज रब कर रहा है, बहुत डिस्कम्फर्ट हो रहा है, या बच्चे बहुत मतलब चिड़चिड़ा हो रहा है, उसको रोना आ रहा है, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है, तो इस केस में आपको दिखाई देगा कि हाँ बच्चे की आँख में कुछ गया है, बच्चे की आई रेड हो रही है। तो जब बहुत ज़्यादा रगड़ते हैं अपनी आँखों को तब स्वेल भी कर जाती है, तो आपको इस केस पे नहीं लेके जाना, इस लिमिट पे नहीं लेके जाना। जब आपको दिख रहा है कि आपका बच्चा अपनी आईज़ रब करने स्टार्ट कर दिया, काफ़ी हार्शली रब कर रहा है, तो आपको सबसे पहले फिगर आउट करना है कि क्या उसकी आँख में कुछ गया है क्या। अगर आपको लगता है कि कुछ गया है और आप उसको आराम से निकाल सकते हैं, देन आप उसको आराम से निकाल दीजिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि क्लियर दिख नहीं रहा बट मे बी शायद कुछ गया है, तो आप क्या कीजिए, कॉटन की एक बॉल्स लीजिए, कुछ 3-4 के आसपास आपको बॉल लेनी पड़ेंगी कॉटन की। मार्केट में कॉटन बॉल्स आती हैं, आप वही परचेस करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि जो अगर आप सिंपल कॉटन यूज़ करते हैं तो उसमें साइड साइड से जो थोड़े थोड़े धागे से रुएं से निकले रहते हैं, जो कॉटन बॉल्स लेंगे उसमें ऐसा नहीं होता है। लेकिन अगर आपके पास में अभी कॉटन बॉल्स नहीं है, सिंपल कॉटन है, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, बट आप उसको थोड़ा सा ऐसे अच्छे से बॉल्स शेप में कर लीजिए, जिससे कि जो धागे और रूएँ हैं वो चारों तरफ उसके ना निकले रहें। अब आपको करना ये है कि आपको फर्स्ट कॉटन बॉल लेनी है, उसको पानी में थोड़ा डिप करना है, उसको निचोड़ना है और आँखों को अच्छे से क्लीन करना है, एक स्वाइप करना है, मतलब एक बॉल से एक ही बार उसको क्लीन करना है, फिर उसको थ्रो कर देना है। अब जो आपने यूज़ की हुई बॉल है उसको ना तो वापस उसी आईज में यूज़ करना है, ना ही दूसरी वाली आई में यूज़ करना, इससे इन्फेक्शन ज़्यादा बढ़ने के और ट्रांसफ़र होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। मतलब कि आपको दोनों आईज़ को क्लीन करने के लिए टोटल लगेंगी 4 बॉल्स। पहले आपने एक बॉल से क्लीन किया, उसको थ्रो किया, फिर दूसरी न्यू बॉल लिया, फिर वापस से आपने एक उसी वाली आई को क्लीन किया, उसको थ्रो किया, फिर थर्ड वाली आपने कॉटन बॉल ली, उससे आपने सेकेंड आई को फर्स्ट टाइम क्लीन किया, उसको थ्रो किया, फिर फोर्थ कॉटन बॉल ली, फिर उससे आपने सेकेंड आई को सेकेंड टाइम क्लीन किया। ये आपका एक सही मेथड होता है, बिल्कुल हाइजीनिक मेथड होता है बच्चे की आई को क्लीन करने के लिए। बस यही मेक श्योर करना है कि आपके जो कॉटन बॉल्स यूज़ कर रहे हैं उसको 2 times नहीं यूज़ करना, ना ही उसको आपको सेम आई में यूज़ करना है, ना ही आपको उसको दूसरी आई में यूज़ करना है। तो इस तरह से आप अपने बच्चे की आई को क्लीन कर सकते हैं। कई बार बच्चों को कोई नई चीज़ दिखाई देती है तो वो एकदम से अमेज करते हैं कि ये क्या चीज़ है, ये क्या कलर है, ये क्या ऑब्जेक्ट है, ये क्या शेप है, तो उस चीज़ को वो बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी में भी बहुत ज़्यादा आईज़ को ब्लिंक करते हैं, आईज़ को रब करके उस चीज़ को बार 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 देखते हैं कि ये क्या चीज़ है, तो उसमें भी वो बहुत ज़्यादा उनको अच्छा लगता है देखना, इसलिए वो ऐसा करते हैं। तो इसमें भी कोई डेंजर वाली बात नहीं है, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा हार्शली रब नहीं करते इस केस में भी, तो इसलिए बहुत ज़्यादा हार्शली रब नहीं कर रहे हैं तो डेंजर की बात नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा बहुत ज़्यादा देर तक कर रहा है या हर रोज़ करता है इस तरह से, तो आप डेफिनेटली बच्चे का हाथ होल्ड करें और उसके साथ में खेलने लग जाएं, उसको डिस्ट्रैक्ट करें, आप बाहर ले जाएं, दूसरे रूम में ले, या फिर कोई भी फैमिलियर टॉय आप उसको दिखा सकते हैं जिससे कि बच्चा थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। जो नेक्स्ट है वो है ड्राई आईज़। ड्राई आईज़ की वजह से भी बच्चे बहुत ज़्यादा अपनी आईज़ रब करते हैं। अब ड्राई आईज़ होता क्या है? सो देखिए, होता क्या है कि जो हमारी आँखें होती हैं, आँखों के ऊपर एक पानी की सी परत होती है, एक आंसू की सी परत, आप समझ लीजिए, एक परत होती है लिक्विड की, जिस जो कि हेल्प करती है हमारी आँखों को बंद या खुलने में, बिना स्क्रैच हुए बहुत स्मूथली स्लाइड होने में हेल्प करती है। उसके साथ साथ ये जो परत होती है ये हेल्प करती है हमारी आईज़ को हार्श लाइट से, हार्श यूवी रेज से प्रोटेक्ट करने में। बच्चों की ये जो लेयर होती है ना, ये बहुत ज़्यादा क्लीन होती है, बहुत क्लियर होती है एज कम्पेयर टू अडल्ट। तो क्या होता है कि जो बच्चे की जो लेयर होती है एकदम क्लीन और क्लियर होती है, तो वो बहुत जल्दी एवेपरेट हो जाती है अगर आप बहुत ज़्यादा उसको एक्सपोज रखते हैं सनलाइट में। इसलिए बच्चों की आईज़ जो है वो ड्राई हो जाती है, तो बच्चे को ओपन क्लोज करने में आईज़ को थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, उसको इरिटेशन होती है और बच्चा बहुत हार्शली रब करता है इस केस में। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि कभी भी आप अपने बच्चे को बहुत देर तक सनलाइट में ना लेके जाएं, कहीं बाहर बहुत ज़्यादा देर तक ना रखें, क्योंकि बेबी अभी बहुत छोटू सा है, तो आपको उसको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करके रखना पड़ेगा। ये जो लेयर है ऑलमोस्ट 7 से 8 साल तक काफ़ी क्लियर और क्लीन रहती है, उसके बाद में थोड़ा थोड़ा जो थिक होने लगती है, तो जिससे कि प्रोटेक्शन थोड़ी और बढ़ जाती है, बट 7 से 8 साल तक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप बच्चों को अगर बाहर लेके जा रहे हैं तो हेट लगा के लेके जाएँ, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप बच्चों को बाहर लेके जा रहे हैं तो आप चश्मा लगा के लेके जाएँ। लेकिन अगर आपका बच्चा बहुत छोटा है, ना हैट अभी लगा सकता है, ना सनग्लासेस ले सकता है, तो आप कॉटन का सिंपली एक कपड़ा डाल दीजिए उसके फेस पे, दुपट्टा डाल लीजिए अपना, जिससे कि उसके फेस पे डायरेक्ट सनलाइट ना लगे। इसके अलावा आपको कुछ चीज़ें और करनी है, वो क्या है? वो ये है कि आपको बहुत देर तक अपने बच्चे को जगा के नहीं रखना है, थोड़े थोड़े इंटरवल पे आपको बच्चे को नैप देते रहना है, थोड़ी भले वो थोड़ी देर के लिए सोए,
थोड़ा बच्चा सोएगा तो उसकी आंखों को थोड़ा सा रिलैक्स मिलेगा, जिससे कि बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। इसके बाद जो रीज़न हो सकता है वो होता है टीदिंग। टीदिंग में बच्चों को बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं जिसके कारण बच्चों को काफ़ी प्रॉब्लम होती है। बच्चों को डायरिया भी हो जाता है, बच्चों को फीवर भी आ जाता है, बच्चे के जो गम्स हैं वो स्वेल हो जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है बच्चे की जो नींद है वो काफ़ी डिस्टर्ब हो जाती है और बच्चे इस केस में काफ़ी इरीटेट हो जाते हैं, जिसके कारण वो अपनी आईज रब करते हैं। तो पहली चीज़ें आपको ऐसी चीज़ें करनी है जिससे कि बच्चे को जो टीदिंग का जो पेन है वो थोड़ा कम हो जाए। जैसे कि आप बच्चे के जो गम्स हैं उन पे आप थोड़ा सा हनी मसाज कर सकते हैं। बहुत जल्दी मैं वीडियो लेके आने वाली हूँ इसके ऊपर कि आप बच्चों को टीदिंग पेन से कैसे राहत दिला सकते हैं। तो आप अभी के लिए आप इतना ही समझ लीजिए कि आप उसको हनी से थोड़ा सा आप मसाज कर सकते हैं। आप बहुत सारे, अगर बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो आप होम्योपैथिक में बहुत अच्छी अच्छी मेडिसिन हैं टीदिंग पेन से उसको राहत दिलाने के लिए। तो आप वो अपने नियरेस्ट जो भी आपके होम्योपैथिक डॉक्टर हैं आप उनसे कंसल्ट करके बच्चे के लिए कोई भी मेडिसिन ले सकते हैं। टीदिंग नेकलेसेस भी आते हैं तो आप वो भी बच्चे के लिए ले सकते हैं, जिससे कि बच्चों को टीदिंग पेन से काफ़ी राहत मिलती है। तो आप इस चीज़ में ये कर सकते हैं। जो नेक्स्ट रीज़न हो सकता है वो मैं आपको दो जो रीज़न्स हैं उनको कंबाइन करके बता रही हूँ, वो है आई इन्फेक्शन या एलर्जी। तो पहले अगर हम बात करें आई इन्फेक्शन की, तो एक मैंने वीडियो बनाया था कुछ टाइम पहले आई इन्फेक्शन के बारे में कि बच्चों की आंखों से पानी आता रहता है, कई बार चिपचिपा सा लिक्विडी भी आता है। वो सब जो होते हैं कुछ तो नॉर्मल्स होते हैं, कुछ काफ़ी सीवियर होते हैं। तो वो आप एक बार वीडियो नीचे जाके देख लीजिएगा, मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो को दिया हुआ है, तो आप उस वीडियो को ज़रूर चेक करिएगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे का जो इन्फेक्शन है काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है, या फिर आपको लग रहा है कि वो नॉर्मल नहीं है, क्योंकि जो नॉर्मल होता है वो उसमें बच्चे को बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर आपको लगता है आपके बच्चे को थोड़ा भी डिस्कम्फर्ट हो रहा है तो आपको डेफिनेटली तुरंत डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए। तो डॉक्टर बहुत ही अच्छे आई ड्रॉप देंगे जिससे कि बच्चे को बहुत जल्दी रिकवर हो जाएगा, बच्चा अपनी आईज रब नहीं करेगा। सेम एलर्जी के साथ भी ऐसा ही है। एलर्जी हर चीज़ से हो सकती है, दुनिया में जितनी चीज़ें हैं उन सबसे एलर्जी हो सकती है, और एलर्जी होने के भी वेज अलग अलग हैं। ज़रूरी नहीं है कि स्किन पर रैशेज हो या फीवर हो या कोई और प्रॉब्लम हो, कई बार आईज़ में इचिंग भी होने लग जाती है एलर्जी की वजह से। तो अगर आपने रिसेंटली बच्चे को कोई नया फूड इंट्रोड्यूस करा है या नए कपड़े पहनाए हैं या कोई नया उसके प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं, कोई साबुन शैम्पू लोशन कुछ भी क्रीम कुछ भी आपने नया प्रोडक्ट यूज़ करना स्टार्ट किया है और आप देख रहे हो कि आपका बच्चा अचानक से बहुत ज़्यादा आईज़ रब करना स्टार्ट कर दिया है, तो पहले तो आप उस चीज़ को तुरंत स्टॉप कर दीजिए। दूसरा, आप तुरंत डॉक्टर के पास जाइए, जिससे कि डॉक्टर आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे जिससे कि ये फिगर आउट करने में आपको हेल्प होगी कि बच्चे को एक्चुअली एलर्जी किस चीज़ से है, जिससे कि आप आगे फर्दर उस चीज़ को यूज़ ना करें। केसेस में आपको डॉक्टर के पास ज़रूर जाना चाहिए, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा बहुत ज़्यादा आईज रब करके उसने एकदम से लाल कर ली अपनी आँखें, स्वेल हो गई हैं, तो आपको वेट नहीं करना, डॉक्टर के पास जाना है। डॉक्टर तुरंत कुछ ना कुछ, क्योंकि उस टाइम पर बच्चे को तुरंत हीलिंग की ज़रूरत होती है उसकी आईज़ को, तो डॉक्टर कुछ ना कुछ ऐसी आई ड्रॉप्स देंगे जिससे कि बच्चे को तुरंत हेल्प मिले। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप कि आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली हो इस वीडियो से। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल के साथ जुड़े रहिएगा इस तरीके की और भी वीडियोज़ के लिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।